प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तु को देखा जाता है, प्रकाश को नहीं देख सकते। अब वस्तु को हम कैसे देखेंगे, किस तरीके से किसी भी वस्तु को प्रकाश से देखा जाता है? जब तक हमारा प्रकाश किसी आधार पर पड़ता नहीं है तब तक वस्तु हमें दिखाई देता नहीं है। अभी आप इस कमरे में बैठे हैं, क्या इस कमरे में कोई ट्यूबलाइट या बल्ब लगा है क्या? नहीं लगा है, फिर भी यहां पे प्रकाश आ रहा है। प्रकाश के अंदर विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, विसरित परावर्तन। तो इस कमरे में अगर प्रकाश आ रही है तो वो घटना है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन की घटना अगर ना होता तो प्रकाश की किरण जहां पर पड़ती केवल वहीं पर उतना दिखता, लेकिन ये घटना होने के कारण सूर्य कमरे के बाहर रोशनी देता है लेकिन उसका जो प्रकाश है वो कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये घटना है विसरित परावर्तन की। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश है वो हर जगह बराबर दिख रहा है आपको, यानी चारों तरफ से आ रहा है लगभग लगभग। तो इसका मतलब ये है कि जो विसरित परावर्तन की घटना हो रही है वो सब तरीके से बराबर है, यानी वो जो प्रकाश बाहर से आ रहा है दीवार पर पड़ेगा फिर उस प्रकाश का भी परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं। अगर प्रकाश की किरणें बिखरे ना, किसी आधार पे पड़े ना, तो हमें वस्तु दिखाई पड़ने वाली नहीं है। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात वह पुनः हमारे, देखिए जैसे ऐसे डिफिनेशन इसकी कहें, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः हमारे आंख पर वापस आती है जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देती है। आसमान की ओर आप टार्च मारिए, क्या प्रकाश नीचे की वस्तुएं आपकी दिखाई पड़ती हैं क्या? आप इतना ऊपर मारेंगे तो कुछ न कुछ जो धूल धुआं के कण है यहाँ पे कुछ न कुछ छाया बनेगा उसका रात में, लेकिन आप करीब 50 मीटर ऊपर उड़ के शक्तिमान बन के और मार दो टार्च और नीचे देखो आपको अंधेरा ही दिखाई पड़ेगा। उसका मेन रीजन है टार्च आप मारेंगे तो ब्रह्मांड जो है अनंत है, और जब प्रकाश मारे आप ऊपर तो इसकी औकात नहीं है कि ये ब्रह्मांड को टच करे और उसका प्रकाश फिर नीचे चला आए। तो नीचे वाला आपको तभी दिखेगा जब वो प्रकाश परावर्तित होके वापस आएगा। डिफिनेशन मैंने क्या बोला, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पे टकराकर टकराने के पश्चात पुनः हमारे आंख पर वापस आती है जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। अगर वो प्रकाश किसी बेस पर टकराए ना तो जब टकराएगा नहीं तो वापस आएगा नहीं, जब वापस आएगा नहीं तो आपको वस्तु दिखाई पड़ेगा नहीं। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर किसी पृष्ठ पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात पुनः हमारे आंख पर वापस आता है जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखा जाता है, प्रकाश को नहीं देखा जाता। अब अगर हम कहें चार वैज्ञानिक का नाम ले लें, आइंस्टीन, न्यूटन है ना, यानी सर आइज़क न्यूटन, तीसरा नंबर रोमर और चौथा नंबर हाइगेंस, ठीक है ना, चार वैज्ञानिक हैं।
अब इन चारों वैज्ञानिकों में आप ये बताइए कि चारों वैज्ञानिकों में कौन वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने प्रकाश को सबसे पहले देखा? प्रकाश को आप देख सकते हैं क्या? महसूस करते हैं, उसका जो ऊर्जा आ रही है हमारे ऊपर आ रही है, तो वो हमारे जो ये शरीर का जो ऊपर वाला लेयर है वो हीट हो जाता है, ऊर्जा का अनुभव करते हैं प्रकाश को। अब आपके दिमाग में ये नहीं आया कि वो सबसे पहले वैज्ञानिक ही पैदा हुए थे का, प्रकाश को देख लेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन ये आपके जो है इंजीनियरिंग में बन जाता है कि प्रकाश को सबसे पहले किसने देखा। चार ऑप्शन में तीन वैज्ञानिक रहेंगे, चौथे में रहेगा इसमें से कोई नहीं, तो आपको इसमें से कोई नहीं मार के चले आना है, ठीक है ना? यानी प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देखते हैं बल्कि प्रकाश को नहीं। डिफिनीशन एक बार और समझिएगा और दिमाग में स्टोर करिएगा, देखा जाता, ठीक है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका उपयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं। फिर समझिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका उपयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः हमारे आंख पर वापस आती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखा जाता है, प्रकाश को नहीं।